वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हिंदी में आज हमारा टॉपिक है स्वर और व्यंजन। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आपने पढ़ा बेटा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, उसी तरीके से होता है स्वर और व्यंजन। वही है ही, जैसे इंग्लिश में भी वोवेल्स होता है, वोवेल्स में स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट्स में व्यंजन होते हैं, वैसे हिंदी में है। ठीक है, तो चलिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर, हेडिंग हमारी रहेगी स्वर। इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे छोटा अ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, इसके बाद ऋषि, ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अं से अंगूर और अहमेस कुछ नहीं। ठीक है, ये सब क्या है आपके स्वर है। ठीक है, देखिए और वो से छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋषि, ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से उखली, औ से औरत, अं से अंगूर और अहमिस कुछ नहीं। ठीक है, अब हम लिखेंगे व्यंजन, हेडिंग हमारी रहेगी व्यंजन। ठीक है, अब हम व्यंजन लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्यंजन कौन कौन से हैं, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, ये हो गया ना। अब च, छ, ज, छ, फिर ई। ठीक है, अब ट, ठ, ड, ध, अन, फिर त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। ठीक है, इसके बाद है य, र, ल, व, बड़ा श, खट्टी श, छोटा स, ह से हाथी, छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, फिर क्या से ज्ञानी। ठीक है, ये सब क्या है आपके व्यंजन है। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ते हैं इसको हम। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, अंग में कुछ नहीं। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, या में कुछ नहीं। ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, द से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा में कुछ नहीं। त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, फिर क्या है यहाँ पे, ये भ से भालू, फिर म से मछली, फिर ये क्या है, यह है यज्ञ वाला य, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन, बड़ा श से शलजम,
खसी खट्टीशा ये खटकोर, छोटा सा से सपेरा, ह से हाथी, फिर क्या है छ से छतरी, त्र से त्रिशूल, कैसे ज्ञानी। ठीक है, तो हिंदी में आपका जो टॉपिक था स्वर और व्यंजन का वो अब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए हिंदी में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।